हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी पावर के बारे में, जिसमें आज भी हमें 3% की तेजी देखने को मिली है। 268 का लो लगाया था और हाई लगाया था 278 का, और क्लोजिंग दिया है 272 रुपीज़ का, जो कि फिर भी 3% अप ही क्लोज हुआ है, जो कि पॉजिटिव बात है। फ्रेंड्स, 240 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अभी 280 का इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, पहले 260 का रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस कर अभी 280 के आसपास जाने की कोशिश किया, पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो BSE और NSE मिलाकर अराउंड 1.40 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि काफ़ी रिजनेबल वॉल्यूम है। तो अब सवाल ये आता है कि कल के दिन 280 को क्रॉस करके ऊपर जाना ज़रूरी है। 280 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो फिर 300 के टारगेट इसके खुल जाएंगे, और अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो 260 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है। बट ओवरऑल भी मार्केट पे डिपेंड करता है, बट ये पॉजिटिव बात है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो अदानी पावर के शेयर में भी हमें स्ट्रेंथ दिखकर ऊपर जाते हुए शेयर दिखता है। तो इसीलिए अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट हो तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ करेक्शन आ सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म का अगर आपका होगा नज़रिया, तो थोड़े थोड़े शेयर्स हर लेवल पे बाय कर सकते हैं, बट अभी ऊपर जा रहा है, जब भी नीचे करेगा गिरेगा आप इसको एवरेजिंग करके एक्युमुलेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के साथ ऊपर जा रहा है अदानी पावर का शेयर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। मार्केट अगर और भी ऊपर गया तो कुछ ही दिनों में हमें 300 रुपीज़ के लेवल भी क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।